श्यावर रामचंद्र की जय। मुरमुट वंशी वारे की जय। कल जो है सो ऋषि पूजन है, श्रावणी कर्म है, राखी बंधन है। ये दिन बहुत ही शुभ है और ऋषि पूजन का मुख्य कार्य यह है कि प्रातःकाल जो है स्नान इत्यादि करके और बहुत प्रकार के जो पाप हैं उनके लिए प्रायश्चित किया जाता है। पापों के नाम सुने जाते हैं कि ये पाप है, ये पाप है, अनेक प्रकार के पाप, और उनका नाम उच्चारण करके उनका सबका प्रायश्चित कराया जाता है। वहां विधि के विस्तार से स्नान होता है, संध्या की जाती है, फिर यहाँ आकर के ऋषियों का पूजन किया जाता है, तर्पण किया जाता है, वहां भी तर्पण होता है प्रधानता से ऋषियों का। तो स्नान, संध्या, तर्पण, पूजन और ऋषियों की बंसाल भी सुनी जाती है। ऐसे मालूम होता है कि देखो हजारों ऋषि हुए हैं। तो बड़ा एक पर्व है, पुण्य का दिन है। तो ये जो है सो कर्म जो है ये सत्कर्म है ही, और इसको निष्काम भाव से किया जावे तो आत्मा की शुद्धि में सहायक होता है। और भजन ध्यान अपने करना चाहिए जितना बन सके, गायत्री का जप करना चाहिए जितना बन सके। इस प्रकार से विधि सहित और निष्काम भाव से किया जावे तो इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, परमात्मा की प्राप्ति में चीज बहुत ही सहायक है। जैसे परमात्मा के स्वरूप का जो ध्यान है उस ध्यान के मां सत्संग है सो सहायक है, स्वाध्याय सहायक है, भगवान के नाम को जप है सो सहायक है, चित्त में जो वैराग है वो सहायक है, एकांतवास सहायक है, संसार से विश्व से उपरति है सो सहायक है। ये सब ध्यान के मां सहायक है और ध्यान का फल परमात्मा की प्राप्ति, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में ये सब सहायक है। इसी प्रकार से ये सब चीज जो सहायक है कि पर्व के दिन नियमों का पालन करना, एकादशी का जो व्रत है उस दिन नियम और नियमों का पालन करना, तो ये आत्मा की शुद्धि में बहुत ही मददगार है। किसी भी निमित्त को पाकर करके और सत्कर्म बनती में आ जावे या भगवान की भक्ति बनती में आ जावे तो बहुत ही लाभ है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्यावर रामचंद्र की जय। मारुमुक्त वंशी वाले की जय। मनुष्य को यह हर समय में विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा क्या कर्तव्य है और मैं क्या कर रहा हूं।
इस प्रकार विचार करने से यही बात सिद्ध होती है कि हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते इस मनुष्य के शरीर में ईश्वर की कृपा से आए। हमारा कर्तव्य है परमात्मा की प्राप्ति करनी, यानी अपने आत्मा का उद्धार करना। और अधिकांश मनुष्य कर रहे हैं कि अपनी आत्मा का पतन कर रहे हैं। जिस बात को खुद बुरा समझता है उसी काम को करता है, ये अपने आप के द्वारा अपनी आत्मा का पतन है। जिस काम को उत्तम समझता है और काम में नहीं लाता है तो ये भी अपनी आत्मा का अपने आप के द्वारा पतन है। इसलिए दुर्गुण और दुराचार, प्रमाद, आलस और निद्रा और दुर्दर्शन और जितने भी प्रकार के विकार हैं, ये सब आत्मा के पतन करने वाले हैं। तो इनका एकदम कतई त्याग कर देना चाहिए। इन शब्द को विष के समान समझ करके के, मृत्यु के समान समझ करके, हानिकर समझ करके एकदम इन सब का त्याग कर देना चाहिए। दुर्गुण क्या है कि जैसे काम को लोभ मोह अहंकार राग द्वेष दुर्गुण है। दुराचार क्या है कि झूठ कपट चोरी व्यभिचार जुआ खेलना मदिरा पीना मांस खाना हिंसा करना, ये बहुत से जो पाप इनका नाम ही दुराचार है। इन सब का भी एकदम त्याग कर देना चाहिए। और दुर्व्यसन क्या है कि जैसे बीड़ी सिगरेट तंबाकू भांग गांजा सुल्फा इन मादक वस्तु का सेवन करना, ये दुर्व्यसन है। इसका जो व्यसन है बिना प्रयोजन के चाह इत्यादि का अपना, ये भी दुर्व्यसन है। चौपड़ ताश शतरंज आदि खेलना, ये भी दुर्व्यसन है। थिएटर तमाशा बाइस्कोप आदि देखना, ये भी दुर्व्यसन है। इनमें समय नष्ट होता है, ये सब प्रमाद है, हानि हानि है। पैसे बर्बाद होते हैं, बुरी आदत पड़ती है, बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये सब विष के समान है, इनका एकदम ही त्याग कर देना चाहिए। और भी जितने अंतःकरण के वहां मल विक्षेप आवरण आदि जो विकार हैं, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। और सब प्रकार के दुखों का त्याग कर देना चाहिए, आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक। भूत प्राणियों के द्वारा जो दुख है उसको आदि भौतिक कहते हैं। और सूर्य चंद्रमा वायु अग्नि आदि देवताओं के द्वारा जो दुख मिलता है वो आदि दैविक है। और अपने शरीर के मन जो रोग बीमारी हो जाते हैं, ये जो व्याधि है, और मानसिक जो दुख है इसका नाम आदि है। आदि और व्याधि ये सब आध्यात्मिक है। तो ये सभी दुख त्यागने के योग है। हम लोगों को भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है और स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य आदि ये पदार्थ दिए हैं और शरीर के मां बल बुद्धि और ज्ञान दिया है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये सब जो पदार्थ हैं और शरीर के मां जो विवेक है, ये सब पदार्थ जो भगवान ने हमको आत्मा के कल्याण के लिए दिए हैं, हम इनको आत्मा के कल्याण में नहीं लगा करके दूसरे काम में लगाते, ये हमारी मूर्खता है। तो इन सब बातों को ख्याल में लाकर के मूर्खता का एकदम त्याग करना चाहिए। और ये समय मनुष्य जीवन का बहुत ही मूल्यवान है, ये समय हमारा व्यर्थ नहीं जा रहा, इसके लिए विशेष ऐसा करनी चाहिए। जो समय चला गया वो लौट के वापस नहीं आता। और समय हर वक्त समझो कि व्यतीत होता ही जाता है। ऐसे ही समय व्यतीत होते होते एक दिन में आ जाएगा कि मृत्यु आकर प्राप्त हो जावे। मृत्यु किसी को खबर नहीं देती कि मैं अमुक तारीख में आऊंगी, वो तो अचानक आ जाए गवर्नमेंट के वारंट से भी बढ़कर। गवर्नमेंट के वारंट के मां जो पकड़ा भी जावे तो उसके निकलने के बहुत से रास्ते हैं, किंतु यमराज के फंदे में पड़ जाता है उसका निकलना ऐसा मुश्किल है।
थोड़े समय के लिए अधिक समय लगा देना या उस अपने असली काम को भूल जाना, ये एक प्रकार से आलस है और ये दीर्घ सूत्रता है, ये भी अपने लिए बहुत हानिकर है। और भोग जो संसार के हैं, रात्रि होने पर भी ये बांधने वाले हैं और पतन करने वाले हैं, और प्रमाद तो तामसी चीज है, वो तो पतन करने वाली चीज है ही। निद्रा आलस और प्रमाद, निद्रा आलस और प्रमाद से उत्पन्न जो सुख है वो तामसी सुख है, और तमोगुण के अस्तित्व रहते हुए प्राण जावे तो उसकी अधोगति होती है। ऊर्धम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जघन गुण प्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में जिनकी स्थिति है वे ऊपर को उठते हैं, ऊपर के लोगों में जाते हैं, और जिनकी रजोगुण के वहां विशेष स्थिति है वे बीच में ही रह जाते हैं, मनुष्य योनि के वहां उनका जन्म हो जाता है। और तमोगुण में जिनकी स्थिति है वे अधोगति को, वे नित गुण वृत्ति वाले पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। ये पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनियां ये भी अधोगति है, इनकी प्राप्ति भी, और घोर नरकं की जो प्राप्ति है वो अधोगति है ही। तो इन सब दुखों से छूटने के लिए, कैद खानों से छूटने के लिए भगवान के साथ के वहां नेक नामी का काम करना चाहिए, भक्ति का और सदाचार का व्यवहार करना चाहिए, जिससे भगवान खुश होकर के इस कैद के दुर्जय के बाहर हमारे को निकाल दे। और ये मनुष्य का शरीर आत्मा के कल्याण के लिए यानी मुक्ति के लिए मिला है, तो उस आत्मा का कल्याण अपने शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए, जिस उद्देश्य को लेकर के भगवान ने हमारे को मनुष्य का शरीर दिया है। उस दयालु की कितनी दयालुता है, उस दयालुता को ख्याल करके हमको हर वक्त मुग्ध होना चाहिए, और सद्गुण सदाचार जो है इनको अमृत के समान समझ कर इसका पान करना चाहिए। प्रमाद के त्याग की बात कही, किंतु आप यदि कहो कि भाई प्रमाद का स्वरूप क्या है, तो प्रमाद से मतलब है कि हमारे शरीर से जो व्यर्थ की चेष्टा होती है, फालतू चेष्टा होती है, निकम्मी चेष्टा होती है, वो प्रमाद है। और हमारे शरीर से जो न करने योग्य कार्य होता है वो प्रमाद है, करने योग्य काम को न करना ये भी प्रमाद है, कर्तव्य की अवहेलना जो है इसको ना भी प्रमाद है, और अकर्तव्य का पालन करना ये भी प्रमाद है। तो दोनों प्रकार के जो भेद है प्रमाद के, उनको एकदम त्याग करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत खतरे की चीज है। प्रमाद और लोभ और आसक्ति के कारण ही हम में दुर्गुण बढ़ते हैं। है कि जो सद्गुण सदाचार ईश्वर की भक्ति है, इसको अमृत के समान समझ के इसका पान करना चाहिए। सद्गुण क्या है कि उत्तम आचरण, यज्ञ करना, दान देना, तप करना, और जितने उत्तम काम कर रहे लोगों की निष्काम भाव से सेवा करना, और तीर्थ व्रत उपवास अनुष्ठान आदि जितने जो शास्त्रीय उत्तम जो कर्म बताए गए हैं उनका आचरण करना। उत्तम गुण क्या कि जिससे क्षमा है, दया है, शांति है, समता है, संतोष है, सरलता है, ज्ञान है, वैराग है, ये सब जो है उत्तम गुण है। और ईश्वर की भक्ति तो महान उत्तम गुण है, जिससे जप करना, ध्यान करना, एक ईश्वर के नाम का जप ध्यान पूजा पाठ स्तुति प्रार्थना उत्तम भाव से निष्काम भाव से ये सब की जाए तो शीघ्र ही आत्मा शुद्ध होकर के परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण।
नारायण श्रीमन नारायण श्यावल रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जैसे इस विषय में विचार किया गया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और मेरा क्या कर्तव्य है, क्या मैं कर रहा हूं, इसका उत्तर आपको बतला दिया गया कि हम लोग सब 84 लाख योनि में भ्रमण करते हुए ईश्वर की कृपा से मनुष्य के शरीर में आए और हम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि परमात्मा को प्राप्त करना, अपनी आत्मा का सुधार करके उद्धार करना, ये अपना परम कर्तव्य। और हम लोग अपने कर्तव्य का पालन न करके कि किसी एक प्रकार से जो अकर्तव्य उस जो करने योग्य ने वो काम भी किया जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरे की चीज है। जैसे व्यापार है तो व्यापार के वहां झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, दगाबाजी, विश्वासघात, ये सब जो है बड़ा भारी पाप। जो आदमी सदा सर्वदा नियमों का पालन करे उसका उद्धार शीघ्र ही हो सकता है। मनुष्य यदि चाहे तो अपना अपने स्वभाव का, अपनी आदत का सुधार कर सकता है। मनुष्य के अतिरिक्त और कोई भी ऐसी योनि नहीं है कि जिसमें हमारा कल्याण हो सके। हमको ये भी थोड़ा समय समय पर विचार करना चाहिए कि जो ये दिखने वाली जगत क्या चीज है और मेरे साथ इस जगत का क्या संबंध है। इसकी कारण रूपा जो अव्याकृत माया प्रकृति है, मूल प्रकृति जिसका कि ये सब कार्य है, वो क्या चीज है, उसके साथ हमारा क्या संबंध है। हम लोग ईश्वर ईश्वर जो कहते हैं तो ईश्वर कौन है और है तो किस रूप में, कहाँ है, वे किस उपाय से मिल सकते हैं, ये सब बात तो हमें विचार करना चाहिए। जीव और ईश्वर का परस्पर क्या संबंध है, अरे माया जो है प्रकृति और प्रकृति का कार्य संसार, इसके साथ में ईश्वर का क्या संबंध है और हमारा क्या संबंध है, ये सब भी इसको विचार करना चाहिए। विचार करने से मालूम होता है कि ईश्वर महान शक्तिशाली मर्यादा पुरुषोत्तम जो भगवान है, परमात्मा तो साक्षात स्वरूप है, वो ईश्वर है। उनके साकार निराकार सगुण निर्गुण सभी रूप होते हैं। उनमें किसी स्वरूप की भी मनुष्य उपासना करके के परम गति को प्राप्त हो जाता है। वो उपासना चाहे भेद रूप से करे चाहे अभेद रूप से करे। अपना जो इष्ट देव है उसकी भक्ति करना अपना परम कर्तव्य है। तो प्रकृति जो है, प्रकृति का जो कार्य है, परमात्मा जो है और जीव जो है, इनका परस्पर में संबंध क्या है और इनका स्वरूप क्या है, तो देह के भीतर में जो ज्ञाता पुरुष है, दृष्टा साक्षी, वो इस जीव का स्वरूप है, आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। और इसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप भी सच्चिदानंदमय है, सत्यम ज्ञानमतम ब्रह्म। तो उस ब्रह्म के साथ में अपना ये संबंध है, ईश्वर हमारे स्वामी हर उसके सेवक। दूसरा ये लौकिक संबंध है। प्रकृति और ईश्वर का परस्पर यह संबंध है कि प्रकृति ईश्वर की शक्ति है और वो शक्तिमान। प्रकृति का जो यह जड़ पदार्थ रूप कार्य है, इसका प्रकृति के साथ में यह संबंध है कि प्रकृति कारण है और ये सब उसका कार्य है। जड़ जो पदार्थ है ये सब कार्य है, प्रकृति सब का कारण है। जड़ जो पदार्थ है ये सब कार्य है और मूल प्रकृति सब का कारण है। मूल प्रकृति परमात्मा की है, परमात्मा को स्वरूप ही है, उसको संदर्भ होने से तो इस वास्ते उसके द्वारा जो कुछ काम हुए। एक नंबर तो बात है कि उसको घर के आदमी एक दूसरे से छिन छिन के करें,
और नहीं तो अपने जमावारी काम तो जरूरी करना चाहिए। जो आदमी जमावारी से काम नहीं करता है उसकी इस लोक और प्रलोक में कहीं गति नहीं है, और उसके कारण संसार में मूल्य लेने परलोक में जीव का समझो कि संबंध प्रकृति के साथ में, प्रकृति मह परम है, वो सब की जननी है, इस वास्ते वो सबकी माता है और भगवान सबके पिता है। भगवान ने कहा है कि महाप्रलय के आरंभ के बीच के माँ मैं बीज रूप त्याग का त्याग करता हूं और प्रकृति इसे धारण करती है, इससे सारी संसार की प्रतीति है। तो प्रकृति तो सब हम लोगों की माता हुई और भगवान पिता हुई। प्रकृति का अंश तो यह शरीर है और परमात्मा का अंश आत्मा है। तो परमात्मा की चीज परमात्मा को शुभ देवे और संसार की चीज संसार को शुभ देवे, तो फिर समझो कि संसार में चाहे जैसे विचरण करो कहीं कोई भय नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे शेनाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्यावर रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। तब भगवान की दया के विषय में आपको कुछ कहा जाता है कि भगवान की दया हम लोगों के ऊपर अपार है, क्योंकि भगवान दया के सागर हैं और उस भगवान की दया से हम लोगों को लाभ उठाना चाहिए। जो नहीं उठा रहे हैं इसके लिए आगे जाकर के हम लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। जो लाभ उठा लेगा वही फायदे में रहेगा। बस भगवान की शरण हो जा रहे तो भगवान की दया तो सब पर रहेगी। दया के लिए कोई अलग स्तुति प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी।